हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का हमारे पे जो मैच होने वाला है वो यहाँ पे होगा हमारा पर्थ स्कॉचर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच। एंड गाइज, आपको बता दूँ, ये जो हमारा मैच है ना, ये लास्ट बस एक मैच के पहले यहाँ पे जस्ट हुआ है, और इनका जो आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना, काफ़ी आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब इन्होंने एक ही मैच पहले खेला है और वहाँ पर पर्थ स्कॉचर ने काफ़ी यहाँ पे विन करा भी है। सो आज हम बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर की, ठीक है। सो मतलब इनके पिच बोर्ड की, जो पहला मैच वहाँ पे हेड टू हेड खेला गया था वो था पर्थ के ग्राउंड पर। अब जो यहाँ पर को होम ग्राउंड यहाँ पे होगा वो होगा एडिलेड स्ट्राइकर का एडिलेड। सो अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हमारे आज के पिच रिपोर्ट की। तो आपको बताऊँ, अब यहाँ पर को जो टोटल मैचेस खेले गए ना, डोमेस्टिक डोमेस्टिक मीन्स ओनली बीपीएल, तो यहाँ पे जो टोटल है 71 मैचेस हैं। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटिंग फर्स्ट वाली टीम की, तो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने यहाँ पे 41 मैचेस यहाँ पे विन करे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो चेजिंग वाली टीम है वो यहाँ पर गई 30 मैचेस यहाँ पे विन करके गई है। सो यहाँ पे जो आपको एडवांटेज देखने को मिलता है वो यहाँ पे एक बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को देखने को मिला है। सो अब आप करेंगे क्या, जो भी टीम यहाँ पे को टॉस विन करेगी, ठीक है, उसका बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जो है वो आपको एक ये समझ के चलो, वो आपको थोड़ा सा फेवरेट यहाँ पे बन जाएगी। मतलब 70% वहाँ पे फेवरेट रहेगी, बाकी के जो 30% है वो आपके बॉलर्स वगैरह वो काम करेंगे। सो 70% वो टीम यहाँ पे फेवरेट बन जाती है। अब यहाँ पे जो भी टीम होगी, फॉर एग्जाम्पल एडिलेड स्ट्राइकर की जो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप इनके बैट्समैन को भी यहाँ पे लेके जाओगे और इनके बॉलर्स को भी लेके जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बैक करना है। अब बात करते हैं कि एवरेज स्कोर की, तो गाइज यहाँ पे जो एवरेज स्कोर यहाँ पर को रहा है वो गाइज आपको नज़र आएगा 167, एंड यहाँ पे जो हाई स्कोर यहाँ पर हुआ था वो यहाँ पे 232, ठीक है। सो हाई स्कोर के यहाँ पे जो चांस है वो यहाँ पे थोड़े से कम आपको नजर आएंगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ डीपली। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देते हैं किस के बीच यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलेंगे। 150 से यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 150 से 70, 170 से 190, और एक जो हमारा फिर आएगा हमारा 190 के ऊपर। अब यहाँ बात करूँ अगर 150 से नीचे, तो आपको गाइस यहाँ पे 17 टाइम्स आपको स्कोर देखने को मिला है। उसके बाद बात करूँगा 19 टाइम्स यहाँ पे आपको 150 टू 170 है, और उसके बाद जो 170 टू 190 वो यहाँ पे आपको 24 टाइम्स आपको देखने को मिल जाता है। हाई स्कोर यहाँ पे 11, सो हाई स्कोर यहाँ पे कम हुई है। और अगर आप देखोगे जो एक मेजोरिटी है और जो हाई स्कोरिंग है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे 170 और ये आपको एक लो स्कोरिंग यहाँ पे मतलब 150 से 170 के बीच यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ठीक है, रिसेंटली यहाँ पर को बैक टू बैक यहाँ पे हाई स्कोर हुए हैं। सो इसलिए आप एक अपने बैट्समैन को सीरीज आप यहाँ पर ट्राई करके जा सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आज हमारी आज की विकेट कीपिंग ऑप्शन की, तो यहाँ से हमारे पास देखो व्हाइट मैन निल्सन आपको यहाँ पे ये नजर आएंगे, और यहाँ पे देखो इंग्लिश है ना, आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। वाइट मैन यहाँ पे आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप इसको ओनली ग्राइंडिंग आप बैक करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इसने एक मैच खेला और अभी तक आपने देखा जो भी एक न्यू डेब्यू प्लेयर आता है ना, वो एक मैच खेल के अगले मैच यहाँ पे आपका फ्लॉप हो जाता है। सो इसलिए वाइट मैन पर मैं इसलिए इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ। वाइट मैन ने लास्ट मैच फिर एक एवरेज पॉइंट आपको दिए थे, लेकिन उसके बाद मेरे को आज लगता है कि ये फ्लॉप हो सकता है, लेकिन ग्राइंडिंग में आप ट्राई कर लेना। बात करते हैं फिर निल्सन की, निल्सन का आपको पता है कि इसका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है, और जो एक कीपर होता है ना काफ़ी जो नीचे बैटिंग करता है, सो गाइस उसके स्टैट्स आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। सो फिर यहाँ से बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश को आपको मैंने बता रखा मैं हम क्यों बैक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके एक रीज़न है कि जो इनका पर्थ का टॉप ऑर्डर है ना वो इतनी अच्छी फॉर्म पे नहीं है। प्लस अगर बात करूँ इसके वेन्यू की, तो यहाँ पे इसने खेले 6 मैचेस, और अगर बात करूँ इसके टोटल रन की तो 199 रन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूँ इसके एवरेज की, सो गाइस 49 का यहाँ पे एवरेज है, तो आप समझ लो 30+ यहाँ पे एक एवरेज लेके चल रहा है, प्लस आपको कीपिंग से भी यहाँ पे आपको पॉइंट देके जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पे अच्छा पिक यहाँ पे बन सकता है। सो यहाँ से हम शॉर्ट आउट कर देते हैं हमारे प्लेयर्स को। अब चलेंगे बैटिंग सेक्शन, तो यहाँ से हमारे पास क्रिस लिन है, ठीक है। क्रॉली अभी यहाँ पे आपने देखा बैक टू बैक यहाँ पे फ्लॉप हुआ, और इवन वो तो अपने ग्राउंड पर यहाँ पे फ्लॉप आता है, फर्थ और यहाँ पे फ्लॉप रहा है, तो इसलिए मैं क्रॉली को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। इसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन जो इवांस है वो आपको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों मिलेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो क्रिस लिन है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसने गाइस इस वेन्यू पर खेले हैं टोटल 70 मैचेस, क्योंकि इसका होम ग्राउंड है। और जाहिर सी बात है गाइस, जैसे रोहित शर्मा आईपीएल में आपने देखा होगा ना, वानखेड़े पे काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं, तो वही समझ लो क्रिस लिन के लिए ये यहाँ पे आज वानखेड़े यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे परफॉर्म करना नहीं करना भी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका यहाँ पे होम ग्राउंड है। अब यहाँ पे जो इसने 70 मैचेस खेले, तो वहाँ पर इसके रिकॉर्ड देखो 497 रन इसके यहाँ पे टोटल हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी यहाँ पे काउंट करेगा। फिर अगर बात करूँ 38 का एवरेज है आपके लिए स्मॉल लीग के लिए, काफ़ी आपके लिए अच्छा यहाँ पे पिक रहने वाला है। अब बात करते हैं इवांस की, सो इवांस का यहाँ पे देखो क्या है, इसने ना एक ही मैच खेला है यहाँ पर को इस वेन्यू पर, और यहाँ पे 39 रन स्कोर करे। लेकिन मैं आपको इसको बैक करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका जो टॉप ऑर्डर वो इतना अच्छा नहीं है। क्रॉली यहाँ पे बैक टू बैक फ्लॉप हो रहा है,
बाकी उसके पहले कॉनोली वहाँ पे था, ठीक है। और जैसे ही आपको बताया वाइट मैन, उसके यहाँ पे जो फ्लॉप होने के चांस वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। प्लस एक प्लेयर ऐसा है जिसको काफ़ी लोग आज यहाँ पे सीवीसी लेके जाएंगे, वो भी यहाँ पे फ्लॉप हो सकता है, तो इवांस की यहाँ पे बैटिंग आ सकती है आराम से, ठीक है। तो इवांस को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंड से यहाँ पे बैक कर लेते हैं हमारे प्लेयर, पहले कौन कौन से यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बेल्जी को लेता हूँ, कॉनली को चलो बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑलराउंडर की। सो ऑलराउंडर देखो, सबसे पहला ऑप्शन मैथ्यू शॉर्ट, ये तो गाइज आपके लिए डिफॉल्ट यहाँ पे सीवीसी पिक रहने वाला है, और ये जैसा लास्ट बीबीआर आपने देखा ना वहाँ भी यही काम कर रहा था, कंसिस्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट देके जा रहा था, तो सेम चीज़ है उसका वो चल रहा है। सो फ्लॉप करने का कोई मतलब, ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं होता, और सीवीसी से भी आप इसको यहाँ पे नहीं हटा सकते। अब बात आती है गाइज एरन हार्डी की। अब यहाँ पे आपको जो बोला ना मैंने शुरुआत में कि ऐसा प्लेयर जिसको आप काफ़ी लोग यहाँ पे सीवीसी करेंगे, आप उसको बस एक नॉर्मल पिक लेके जाना, ठीक है, ड्रॉप तो नहीं कर सकते। अब आपको बताऊँ इसने गाइज यहाँ पे खेले हैं 5 मैच, ठीक है। अब 5 मैच जो इसका एवरेज आया वो यहाँ पे 54 रन का है, और अगर बात करूँ एवरेज की तो 13 की। सो एरन हार्डी यहाँ पे देखो पार्थ पे तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन गाइज अब पार्थ से जब बाहर जाएगा ना स्ट्राइकर के ग्राउंड पे एडिलेड पे, तो वहाँ पर कोई फ्लॉप हो सकता है। बैटिंग से तो मैं इसको कुछ खास यहाँ पे मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 13 का एवरेज है, 5 मैच खेले 54 रन, सो इसलिए गाइज यहाँ पे आज हार्डी फ्लॉप हो सकता है। अब आती है ओवरटेन की। ओवरटेन गाइज आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे विकेट निकालते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपको पावर प्ले बॉलिंग कराते हुए नजर आएगा, तो इसलिए ओवरटेन मेरे लिए काफ़ी अच्छा पिक रहेगा। इवन आप इसको आप एस सीवीसी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद आती है डार्सी शॉट की। तो डार्सी शॉट के रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहे, ठीक है। इसने यहाँ पे खेले 8 मैच, और जहाँ पे 8 मैच इसने गए 368 रन, अगर एवरेज की मैं बात करूँ तो 73 का यहाँ पे एवरेज रहा है। सो वेन्यू पर सबसे बेहतरीन इसका एवरेज है, तो अगर आप चाहो मैथ्यू शॉट वाली टीम अगर यहाँ पे स्ट्राइकर पहले बैटिंग करेगी तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप ये लेके जा सकते हो, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। डार्ट शॉट को हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट के कुछ मैच से ना वो एक एवरेज पॉइंट दे रहा था, इतने अच्छे पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रहा था, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे वाइस कैप्टन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका बन जाएगा। बाकी बात करें एस्टन अगर, मेरे को लगता नहीं आज एस्टन अगर के लिए इतनी पिच अच्छी साबित होगी। बैजली को भी मैं अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप करके जाऊंगा, जब मैं प्लेइंग इलेवन देखूंगा कि बॉलर्स थोड़े से कम है या फिर बैजली को एक काफ़ी अच्छे चांस मिल सकते हैं ओवर डालने के, तो मैं यहाँ पे इसको बैक करूंगा। बाकी कॉनली तो गाइस हम जब ये ओपन आ तब भी हम यहाँ पे इसको ड्रॉप ही करते थे, अब तो इसका जो बैटिंग पोजिशन वो भी यहाँ पे काफ़ी नीचे चले गया, तो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अब हम यहाँ से फिर सॉर्ट आउट करते हैं हमारे जो प्लेयर, हम यहाँ पे इनको हटा देंगे। अब बात करेंगे हमारे गाइस आज की बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग सेक्शन देखो बैंड ऑफ अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, वैसे देखो थोड़ा सा हाईली सेलेक्टेड है तो ड्रॉप अगर नहीं करो तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्राइकर ग्राउंड है और यहाँ पे आपको उनके बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा बैक करना पड़ेगा। जैरी रिचर्डसन का सिलेक्शन कम है, उसके बाद में पेन आपको नजर आएंगे, एंड्रू टाइम और वैस अगर मेरे को लगता है यहाँ पे खेलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लांस मॉरी जो लास्ट मैच 4-5 वहाँ पे विकेट निकाल गए थे, तो सेम देखो गाइस वो पर्थ का ग्राउंड था, ये वो ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी फर्क आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ जय रिचर्डसन, सो इसके मैं आपको बता दूंगा इसकी यहाँ पे क्या खूबी रही है। सो जो रिचर्डसन है ना, उसने कहा यहाँ पे 4 मैच यहाँ पे आई थिंक वहाँ पे खेला है, और वहाँ पे 9 विकेट वहाँ पे निकाल के गया है, 4 मैचों 9 विकेट, तो आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे पिन बन सकता है। बात करें पेन की, सो पेन आपको डेथ है वो आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आएगा, तो इसलिए आप पेन को बैक करना। बात आती फिर यहाँ पे एंड्रू टाई की। सो एंड्रू टाई मेरे को लगता है काफ़ी एक अच्छा पिक, क्योंकि आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो जो स्ट्राइकर का डेथ ऑर्डर है ना वो इतना अच्छा यहाँ पे नहीं है बैटिंग के पर्पज से, तो इसलिए एंड्रू टाई को कुछ फ्री के विकेट यहाँ पे मिल सकते हैं आराम से। वैसे अगर की बात करूँगा सो गाइज ये इस वेन्यू पर एक हाइस्ट विकेट टेकर यहाँ पर है, ठीक है, और बस इतना ही यहाँ पे काफ़ी है वैसे अगर को बैक करने के लिए। अगर देखो ये खेलेगा तो मैं इसको यहाँ पे बैक करूँगा, और यहाँ पर ये वैसे अगर और जो ओवरटेन है ना एंड साथ में डेविड पेन, ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है जैसा आपको बताया पार्थ का टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे इनको यहाँ पे विकेट मिलने के कुछ चांसेस मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टीम। अब बात करते हैं हमारे आज की कैप्टनसी की। तो यहाँ पे मैथ्यू शॉट को मैं लेके जाऊंगा एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए मेरे पास डार्सी शॉट भी है, ओवरटन भी है, लीन को भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्राइकर को थोड़ा यहाँ पे फेवर करके चलना। अब बात आती गाइज हमारे आज के गिवे की। सो आज आपको बताना है हमारा आज हाइस्ट फैंटेसी पॉइंट यहाँ पे आज कौन देके जाने वाला है। सो गाइज जिसका भी यहाँ पे आंसर सही होगा वो यहाँ पे हमारा विनर होगा, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या आप देख लो। आपको गाइज ये हमारा वीडियो अपने 3 दोस्तों के सामने शेयर यहाँ पे जरूर करना है, ठीक है। सो चलिए गाइज ये था हमारा आज का वीडियो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।